हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई मैं जस्ट हॉस्टल को वॉक कराने लाया था, बिना छतरी के आ गया। इतनी तेज बारिश हो गई है ना, पूरा भीग गया हूँ मैं, हॉस्टल भी भीग गया, इतनी तेज हो रही है बारिश। और अभी मेरे को रेडियो के ऑफिस भी निकलना है। अरे भाई कहाँ आ गया मैं ध्यान ही नहीं रहा भाई, छतरी लेके ही नहीं आया मैं। रात भर तो खूब बारिश हुई है, लेकिन सुबह अभी बिल्कुल नहीं थी। अब जब मेरे को निकलना था तभी स्टार्ट हुई बारिश। और आज मैं ऑफिस फिर गाड़ी में भागूंगा क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है। वैसे मैंने कल ही डिसाइड कर लिया था कि मैं गाड़ी में चला जाऊंगा आज, क्योंकि 3-4 दिन से लेके नहीं गया। ओ भाई ये देखो, इनमें से ज़्यादा जल्दी इसको है, काफ़ी बारिश हो गई है भाई। लो जी देख लो एक बार कितनी तेज़ बारिश है भाई, बहुत तेज़ हो गई। अभी स्लो हो गई थी रास्ते में, एकदम गोली की तरह स्टार्ट हो गई। शुक्र ही अच्छा ही है भाई मैं गाड़ी में आया हूँ। ऑल दो मैंने रेनकोट पहना होता अगर मैं स्कूटी पे भी होता, बट यार गाड़ी गाड़ी है, फिर बहुत ज़्यादा भीग जाता, मेरा रेनकोट भी बहुत भीग जाता, और ऐसे में ना विजिबिलिटी भी कम हो जाती है स्कूटी पे। तो अच्छा ही है गाड़ी में हूँ, बहुत तेज़ बारिश है भाई। पर क्या मस्त मौसम हो रहा है ना, मन कर रहा है भाई ऑफिस ऑफिस छोड़ो बाहर खड़े हो जाओ, बारिश में इतना मज़ा आएगा ना। मस्त गाने सुनता हुआ आ रहा था, और आप सोच सकते हो रास्ते में चलते चलते मेरे Spotify का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया। अब मैं रास्ते में क्या मतलब गाड़ी चलाते चलाते वेबसाइट खोलूं और वो करूं, पूरा मूड खराब हो गया भाई। अब ऐड ही ऐड आ जा रही है पीछे। अब मैं ऑफिस जाते ही फिर से वो करूंगा, उसको रिचार्ज करूंगा। भाई बताओ यार क्या बुरी किस्मत है कसम से। और मैं बिना गानों के ना स्कूटी पे होता हूं, ना गाड़ी में। भाई बिना गानों के गाड़ी चल ही नहीं सकती है, तो गाने तो बहुत जरूरी है। मैंने सोचा था मजे लूंगा, सब्सक्रिप्शन ही खत्म हो गया। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे, बिकॉज़ आज रात को 12 बजे सिवाना बिल्कुल टू हैप्पी बर्थडे टू यू। किसका हैप्पी बर्थडे है? किसका हैप्पी बर्थडे है? पहले बोलो सिवाना। सियानू, सियानू का है। और मेरे को यहाँ पे कडलिंग दे रहा था ऑस्टिन, कैमरा इधर करते ही मुड़ गया। दिनों बाद मैं खा रही हूँ हमारे यहाँ के फेमस ये ना मेरे आपको समझ कैसे समझूँ, कालका जी में मिलते हैं, और ना ये पानी पानी होते हैं छोले, बट इसके साथ ना लुच्ची या फिर पतले वाले कुलचे भटूरे मिलते हैं, और ये हम सबके बहुत फेवरेट है। हनी को तो बहुत पसंद है, तो आज मेरे पापा मुझे ये दे रहे थे सुबह सुबह, तो अभी मैं ये खा रही हूँ। यही मेरा लंच है एंड मुझे बहुत भूख लग रही है। वैसे मैं इतनी पतली ग्रेवी नहीं खाती हूँ, बट मैं सिर्फ इसी की खाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। वो सिवाना कर चुके हैं नहीं नहीं, आजकल मैं इसको यही बना रही हूँ नाइट सूट, क्योंकि पैरों में इसके ना वो खुजली वाले निशान है, फिर ये करती रहती है, तो ये भी बड़ी दिक्कत है। बट अभी मैं इसको आफ्टर बाइट भी लगा दूंगी और ऑडोमॉस भी लगा दूंगी। हाँ जी, तो एक सबसे बड़ी सबसे स्पेशल बात तो मैं आप लोगों को बताने ही भूल गया भाई सुबह से। आज 12 बजे है मेरे बच्चे का, मेरी सिवानू का बर्थडे। सिवानू हो जाएगी 2 साल की। हमने गिफ्ट सारे मंगा के घर में सेट कर दिए हैं, और विशाली ने भी कुछ तैयारी कर दी है। बाकी मैं अब कुछ बलून्स लेता हुआ जा रहा हूँ घर, कालका जी में रुका था। भाई बहुत ही स्पेशल दिन है सच में, और सिवानू इतनी खुश होने वाली है ना, उसको इतने पसंद है ना बर्थडे, बलून, केक, इतनी फैसिनेटेड है। और हमने सारे उसके गिफ्ट शिफ्ट सब कुछ पैक पुक करके रखा हुआ है। तो आज रात को आप लोग इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, अपनी विशेज़ ज़रूर देना सिवानों को, और बस देखते रहना कैसे मनाते हैं हम उसका बर्थडे। ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, घर में ही है, हमारी फैमिली में ही है सब कुछ, और नॉर्मल सा रखेंगे, क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना तब बड़ा करने का फ़ायदा है, ताकि उसको याद भी रहे और वो इन्जॉय भी करे। अभी बहुत छोटा है बच्चा, उसको याद कुछ रहने वाला है नहीं, तो इसलिए सब कुछ छोटा मोटा ही है। चलो मिलते हैं घर पे। गाइस बर्थडे और कुछ सेलिब्रेशन से पहले मैं सैपलिंग तो होनी थी, तो ये नहीं रहा। वाओ ये देखो, इसको ऐसे करो तो हो गया। सिवाना ने अपना हाथ टच कर लिया गर्म बल्ब पे। सिवाना ने मम्मी के कमरे में जाते हैं, उनका
बेड पे बल्ब अटैच है, वो पकड़ लिया और विद इन अ सेकंड छोड़ भी दिया उसको। कॉकर देखना इसने मंशु, तो काफ़ी रोई है ये और मैंने बर्नॉल लगा दिया, हल्का सा उसको फील हुआ, बिल्कुल हल्का सा। तो पैम्परिंग की अभी बहुत ज़रूरत है, मैं आपको दिखा देती हूँ। बुबू कहें, बुबू कहें, नो बुबू। तो काफ़ी रोई है, मैंने बर्नॉल लगा दिए इसे, बट शी इज़ ओके नाउ। स्नैपचैट पे कॉकरोच देख रही हूँ। यस राम लड्डू के शौकीन मौसम अच्छा हो रहा है, राम लड्डू खाने आ गए। शिवानू को भी चाहिए, तो बहुत गर्म है भैया, एकदम अभी खाए भी नहीं जा रहे। भाई सब ड्रेस जला दी। जलाई नहीं है, गीली हुई है क्या? भाई जल गई है। ये पानी से कब कोई जलता है मानसू? तो फिर ये पानी से खराब हो गई है। खराब हो गई है, खराब करो। जला दिए मेरे मुंह, शिट मैन। करो भाई, किसी ड्रेस का लग गया होगा। कौन सी भी फॉर्मल डिनर पे जा रहे हो? मेरे पास ग्रीन ड्रेस पड़ी थी, इस वजह से सब काट गई। भाई विशाली के पास ग्रीन ड्रेस पड़ी थी, उसने सबकी थीम ही ग्रीन बना डाली। उस चक्कर में शिवाना की जंगल थी, शिवाना की जंगल थीम कर दी उस चक्कर में। और सबसे बड़ा जंगली तो मैं ही लग रहा हूं। कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? मिलना भी है, डरना भी है, इससे डरना भी है। डर डर मत, डर मत। शिवाना खुद ही आ गई डेकोरेशन कराने। और ये क्या तैयार होके आए हैं यार, क्या भाई, क्या बंदे हैं यार ये। अरे आप लोग थीम थी ग्रीन, ग्रीन पहन के आया हो। तो गाइस सारी डेकोरेशन शिवाना के सामने ही हो रही थी, सब कुछ उसको तैयार भी कर देता और अभी भी थे 10 मिनट 12 बजने में और बेचारी बहुत एक्साइटेड है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे शिवानू। मम्मी इधर आ जाओ, खड़े हो चाकू लेके बैठेगी। हाय करो पीपी। गोलू फोटो भी ले लिया से, इसमें लाइट लाइट जलती होगी। शिवानू ये देखो, अच्छा वो पता नहीं, वो आगे लगा।
बादशाह शेर पे गवा रहा सबसे पहले 10 साल की तो नहीं होगी घर भर चुका है शिवाना के टॉयज के साथ। मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, एक सेकेंड, मैं सारी वीडियो मतलब टॉयज वगैरह में क्या चीजें हैं वो सब कल ही दिखाऊंगी। अब तो बहुत लेट हो गया और शिवाना ने हमारे साथ ढंग से फोटोज भी नहीं खिंचवाई टॉयज की एक्साइटमेंट में। क्या कर रहे हो, आइसक्रीम बना रहे हो? हैप्पी बर्थडे बेटू, मे गॉड ब्लेस यू बेटू। गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट बोलो, कल मिलते हैं, आइसक्रीम खा लो। Bye guys. और कल का भी व्लॉग, अगला व्लॉग भी देखना मत भूलना, क्योंकि अभी कल तो एक्चुअल सेलिब्रेशन है। Bye guys. Bye, see you tomorrow.